because we have done a deal that we won't cut each other. So I don't have knife. So the whole thing is, मुझे लगता है life में, इस ज़िंदगी में, we all need to be very accountable. Accountable because हम सबको ऊपर जाना है. We all have to settle our scores here. तो accountability life में बहुत ज़रूरी है. अच्छे कर्म करना ज़रूरी है. And अगर negligence है, तो कोई भी क्षेत्र में अगर आप negligence को देखते हो, या you come across that, you have to voice your opinion for it. ये जो manual scavenging का जो issue discuss किया गया, ये मैं पहली बार सुना और I was so moved because ये लोग अपनी family के लिए 1,000 रुपए के लिए they do something which is so dangerous and they lose life in the process and there is no accountability. इतनी बड़ी negligence हो जाती है and nobody is there to support the families जिनके husbands के साथ ये होता है. So somewhere this resonates with my nature and मैं ज़िंदगी में भी ऐसी हूँ. And आप सबने शायद मेरा थोड़ा बहुत झलक देखा होगा हाल में एक captive reality show के अंदर. एंड मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसी जगह पर आती हूँ और संग्राम जी को भी लेके आती हूँ, बिकॉज इसके बाद गाड़ी में बैठ के जब मैं जाऊँगी तो मैं संग्राम जी को बोलूँगी, देखा मेरे जैसे और भी लेडीज़ हैं, आई एम नॉट द ओनली वन. एंड आई एम जस्ट थैंकफुल दैट वी कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस यू नो एंडेवर एंड सपोर्ट आभा जी, बिकॉज शी इज़ अ वेरी वेरी एथिकल लेडी एंड दैट इज समथिंग आई रियली रिस्पेक्ट. वाकई देखिए, जो आभा जी से मैं मिला पहली बार हूँ, मैंने बात किया है कई 3-4 बार, तो वाकई ये बहुत इमोशनल हैं, बहुत एक इनका मतलब ये सब की मदद करते हैं एक जिस हिसाब से हैं. तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे हमें और पर्सन की ज़रूरत है जो आभा जी जैसे पर्सन हो. मैं जानता हूँ कि कानून में काफ़ी कमियाँ हैं, मैं खुद पुलिस का पार्ट रहा हूँ, कई साल मैंने पुलिस में जॉब की है, मगर वो भी क्या करें कि दिक्कत क्या है कि कानून में बहुत ढेर सारी खामियां हैं, ढेर सारी कमियां हैं जो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा. कहते हैं ना कि मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान. अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो फिर जाके होगा ना. तो मैं समझता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हर वो काम करूँ जो यूथ के लिए अच्छा है, जो देश के लिए अच्छा है. जैसे इवन मैंने कोल्ड ड्रिंक का ऐड तब छोड़ा कई करोड़ों का, जब मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये होते थे, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं पीता. अगर मान लो मैं अगर एक बच्चा ही मुझे फॉलो करता है तो मैं उसको जहर पिला रहा हूँ. तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हैं हमारे हर फील्ड से हैं जिनके पास 1,000 करोड़ हैं, वो गुटखा बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक वो करते, तो गलत है. जाना कहाँ, जाना तो वही जाना है. तो मैं कह रहा हूँ कि हमें एक ऐसी चीज़ कुछ सेट करनी चाहिए कि ताकि लेगेसी छूटे, यूथ उससे प्रेरणा ले, आगे बढ़े. और मैं कह रहा हूँ कि हमें आबाजी जैसे और इंसानों की, अच्छे इंसानों की ज़रूरत है. और मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव देखता हूँ कि भैया खुश रहो, खुशियाँ दो, और कुछ ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली अब जो भी पायल केस होंगे तो पायल मुझे परेशान नहीं करेगी, आबाजी को फ़ोन कर लेगी, क्योंकि पायल के नहीं. बिकॉज लाइफ में कभी कभार क्या होता है, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए केसेस कर दिए जाते हैं. एंड हम जिस सोसाइटी में हैं, जिस समाज में हैं, अभी भी एक मेंटालिटी है आपको एक रोकूं कि केस अगर आप पे हुआ तो आप गलत हो. देखो मैं एक दूसरा कहूँगा कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट मत करो. नेता का मतलब होता है ताने, नेता का मतलब होता है ताने नेता. बाप बेटे का नहीं होता यार, आपका हमारा काम होगा. तो कई भी पॉलिटिकल चक्रों में मत पड़ो, अपने देश के लिए काम करो. यस, अपने लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, आगे बढ़ते रहो बस. तो एक होता है कि जैसे सूजी बहन आ रही थी यहाँ पर एंड गूगल ने उनको रास्ता घुमाया, उसी तरीके से गूगल ने एक मुझे घुमाया और मेरे पे एक केस हो गया. और दूसरा है कि जैसे हम कहते हैं वी नीड अकाउंटेबिलिटी, देर इज़ लॉट ऑफ करप्शन इन दिस कंट्री. तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, मगर संग्राम जी आज बहुत सारी इंस्पायरिंग और स्ट्रॉन्ग लेडीज़ को मिले होंगे जिन्होंने बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं एंड आभा जी उनको सपोर्ट कर रही हैं. सो आई एम ग्लैड कि आज के बाद संग्राम जी मेरा ये जो एक्टिविज्म वाला जो है ना साइड, उसको सपोर्ट ज़्यादा दिल से करेंगे. जी बिल्कुल दिल से करूँगा, मगर फालतू पंगा नहीं लेना कानून में रह के. मैं कभी साल 23 में शुरू हो चुका है, क्या कुछ नया आपने सोचा है, कुछ सरप्राइजेस देंगे सभी कुछ बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप सबको बड़े अच्छे अच्छे सरप्राइज मिलने वाले हैं. बस लीगली सरप्राइज नहीं है, वैसे अच्छे सरप्राइज मिलेंगे. व्हाइल आर यू थिंकिंग फॉर एनी ऑफ द शो नाउ? Let's see, because I really want to do work as an artist also now, because what has happened is somewhere you know I एक कुछ होता है कॉर्ड, अगर कट ऑफ हो जाए तो कट ऑफ हो जाए. और जैसे द पॉलिटिकल जोन इज़ नॉट इन माय दिस थिंग राइट नाउ, द एक्टिविज्म जोन इज़ देयर, बट आई थिंक आई एम बेटर ऑफ एज एन आर्टिस्ट. सो लेट्स सी व्हाट कम्स माय वे.
वैसे मैं बिग बॉस काफ़ी फेमस शो है, मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं इधर उधर जा रहा हूँ, मगर ये दुनिया बिग बॉस की तरह ही है। मैं सबको जितने भी उसमें हैं, पहले मैं सोच रहा था कि साजिद जीतेंगे, वो छोटू थे वो जीतेंगे, हाँ अब्दुल जीतेंगे, तो मैं ऐसे पढ़ता रहता था। अब जितने भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आई होप के मे द बेस्ट पर्सन विन। यस थैंक यू थैंक यू।